एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई हूँ मैं सचिवालय कॉलोनी में। मेरी फ्रेंड की बेटी का अनुप्राशन है, जिसको आज 6 महीने पूरे हो गए हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर उसके घर में इनवाइट हुए हैं। उसने हमें इनवाइट किया है, उसका अनुप्राशन है। तो मैं आज अपना व्लॉग अपनी फ्रेंड के घर सचिवालय कॉलोनी है वहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसे जैसे हम बच्ची का अनुप्राशन की तैयारी करेंगे, उसे नहलाएंगे फूलों भरे टब में, वैसे वैसे आपको हम दिखाएंगे कि हमने कैसे कैसे किया है। और आप बताइए कैसे आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ और मस्त ही रहना चाहिए। सो गाइज, मैं आ गई हूँ अब सचिवालय कॉलोनी में। ये सचिवालय कॉलोनी में है, विधानसभा में है इसके हस्बैंड। यहाँ पर इनको रूम मिला हुआ है, ये देखिए। सी गाइज, देखा इस, ये है विधानसभा में इसके हस्बैंड काम करते हैं। तो ये सचिवालय कॉलोनी है, देखिए पार्क है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। बहुत ही प्यारी कॉलोनी है और यहाँ की इतनी अच्छी मुझे लग रही है, यहाँ पे इतना ग्रीनरी ग्रीनरी है ना, बहुत ही सुंदर है। ये इसका घर है रजनी का। और ये मैं वीडियो बनाते हुए, मेरा ब्लॉग आज यहीं से स्टार्ट है। आगे आगे हम आपको दिखाएंगे कि हम कैसे कैसे हम अनुप्राशन सेलिब्रेट करते हैं अपनी प्रिंसेस क्यूटी पाई जिया का। सो मैं अब उसके घर में एंट्री कर रही हूँ। A few moments later. Guys, थोड़ी देर के बाद हमने जल्दी से बेबी को बेबी का बाथिंग किया जल्दी से फटाफट से, क्योंकि ठंड भी बहुत हो रही थी जब मैं गई। तो फिर उसकी बाथिंग की फटाफट से, उसकी मम्मी ने वार्म वाटर कर रखा था और टब में गुलाब की पंखुड़ियाँ, फूलों की पत्तियाँ सब उसने रेडी कर रखा था। तो हम जिया को नहला रहे थे और मैं उसका वीडियो शूट कर रही थी। तो जिया नहा रही थी और जिया जरा सा भी नहीं रो रही थी, इतना सा भी नहीं रो रही थी, बहुत मज़े से नहा रही थी, बहुत शांति से। हमारे तो बच्चे जब रो नहाते थे इतना रोते थे, पर जिया बहुत प्यार से अपनी मम्मी को नहलाने दे रही थी। 2 मिनट में उसकी मम्मी ने उसको नहलाया अच्छे से वार्म वाटर से, उसको फटाफट नहलाया नहलाया धुलाया। और देखिए गाइस, वो कितने प्यार से नहा रही है, इधर उधर टुकुर 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 अपनी मम्मी को देख रही है, इधर उधर इतनी समझदार से नहा रही है। और ये इसकी मम्मी है रजनी, जो बहुत बिजी बेचारी सुबह से लगी हुई है। उसने खाना वाना भी रेडी कर दिया था हमारे आने से पहले, मैंने तो उसके बस साथ थोड़ी सी हेल्प की, बहुत थोड़ी सी, उसने पहले से ही सारे अरेंजमेंट्स कर रखे थे। तो वो बेबी को नहला रही है, फिर नहलाने के बाद हम आपको फिर दोबारा मिलते हैं ब्रेक के बाद। उससे पहले मैं उसकी डेकोरेशन दिखाऊंगी आपको। तो गाइस, ये है अनुप्राशन की डेकोरेशन। सी, आप देख सकते हैं रजनी ने इतना सुंदर डेकोरेशन किया है। शुभ अनुप्राशन, टेट्स ऑलवेज द मोस्ट एक्साइटिंग स्टिकर, फर्स्ट मील, आई एम रेडी टू ईट। तो अभी जो अनुप्राशन गर्ल है वो सोई हुई है, तो उसकी मम्मा ने ये डेकोरेशन की है और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन की उसने ये अकेले में, बहुत ही प्यारा है। यहाँ पे वो बैठेगी जिया, अभी तो वो सो रही है। सो मिलते हैं गाइस। A few moments later. Guys, baby जिया नहा गई है, अब वो रेडी हो रही है। आओ देखो 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 कैसे देख रही है, टकर 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 टकर। और देखो बातें भी करती है, करती है जिया जिया, रिएक्ट करती है। इतनी छोटी सी है पर बातें कुछ भी बोलो एकदम रिएक्ट करती हो। नहा गया जिया, नहा गया, बहुत समझदार है, बता है, रोती भी नहीं है ये, रोती नहीं है। देखो नहाए बच्चे कैसा शोर, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता है जब रोती है। और आराध्या को तो नहलाना, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। गाइस, हमारी प्रिंसेस जिया रानी रेडी हो गई अपनी अनुप्राशन के लिए। उसका 6 मंथ्स का अनुप्राशन है, वो रेडी हो गई अपनी ड्रेस पहन के। अब उसके बाल वाल बनेंगे, फिर इसको थोड़ी देर धूप में मैं लेके बैठूंगी। सो गाइस, ये रेडी हो गई है, देखिए जिया बेबी दिख रही है आपको। अब मैं इसको धूप में लेके बैठी हुई हूँ, इसकी मम्मी रेडी हो रही है, देखिए। ये देखिए जिया रेडी हो गई है, धूप सेक रही है, थक गई है वो।
ये हमारी एक और फ्रेंड आ गई है परी। हेलो। ये जो है परी, और परी लगती है परी की तरह। परी कैसा लग रहा है तुझे यहाँ सचिवालय कॉलोनी में आके? अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ पे सुन तो, यहाँ पे सुंदर ये लग रहा है कि कितनी ग्रीनरी ग्रीनरी है ना, बच्चों के खेलने के लिए बहुत है। हमारे उधर तो है ही नहीं, रो रही है। गाइस हम मिलते हैं ब्रेक। सो गाइस खाना हमारा रेडी है। आलू मसाला, आलू खीर, बच्चे के लिए जो बनती है खीर तो मस्त होती है। एक छोले हैं और पूरी हम बनाएंगे। परी आ गई, परी के बाद आ गई संगीता। संगीता हेलो। हेलो। ये आ गई संगीता। अनुप्रासन वाली बेबी उठ गई। बेबी उठ गया, सोने के बाद ही उठी। फिर इसकी मम्मी ने इतनी प्यारी सी चेयर ले रखी थी, सिटिंग चेयर, उस पर हमने इसको बिठाया। ये इसका अनुप्राशन का सामान मम्मी ने इतना अच्छा कर रखा था ना, इसकी मम्मी ने, रजनी ने बहुत ही बढ़िया कर रखा था, हद से ज़्यादा। चॉकलेट्स, एक में टॉफ़ी, एक में रसगुल्ले, एक में खीर। कि अनुप्राशन का सामान चॉकलेट्स, टॉफ़ी, एक बाउल में चॉकलेट, टॉफ़ी, कैंडीज, रसगुल्ले सब रखा था। उसकी मम्मी ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट करा था। जिया का फ़ोटोशूट हो रहा था। ये देखिए जिया कितनी प्यारी लग रही है, इतनी प्यारी सी छोटी सी चेयर में बैठ के। गाइस रजनी को हम बोल रहे थे उसको थोड़ा पैम्पर वैम्पर कर, तो मैं वीडियो अच्छे से बना भी दूँगी। और तो उसको खीर उसको खिला, वो परेशान हो रही थी क्योंकि उसको नींद आ रही थी, अच्छे से नहा गई थी, धूप भी बार बार उसे नींद आ रही थी। तो उसकी मम्मी ने खिलाया पहले उसकी बहन, ये ख्याति है, इसकी बड़ी बहन ख्याति, उसको खीर टेस्ट करा रही थी। उसको हम बोल रहे थे सीधे हाथ से खिला, बच्ची है वो भी छोटी, तो सीधे हाथ से खिला रही थी। पर बेबी जिया तो बहुत परेशान हो रही थी, किसी तरह से उसे खीर चटाई। फिर उसकी मम्मी ने भी खीर उसे चटाई, फिर थोड़ा सा पानी वानी भी बोला हमने कि थोड़ा सा पानी भी दे उसको उसके ऊपर, क्योंकि नया चीज़ है बच्चे के लिए, एकदम बहुत मुश्किल होता है भाई छोटे बच्चों के साथ वो करना। उसका हम फोटोशूट भी कर रहे थे तो पता नहीं कैसे कैसे कर रहे थे। देखिए आप, बच्चे बोलो हैप्पी अनुप्राशन जिया, बोलो जिया। हाँ बोलो 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 जिया 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 जिया। इसे नींद मिला, नींद आ रही हो, बच्चे का समझ में ना आता ना। नानी आज कुछ नहीं देख रही, अकड़ रही है बहने नीचे से। तेरी ऐसी बना रही हूँ मैं वीडियो, गुर्र करते हुए। लल्ले खीर बना दे। ने भी खीर खिलाई, फिर पूजा ने भी खीर खिलाई, वो दूध पुला रही थी, मैंने भी खीर खिलाई। फिर ये इसका 6 मंथ्स का केक है जो हमने अभी कटिंग करनी है। अरे वो कहाँ है मुंह पहुंचने का, दे ऊपर देखने का। के बाद जिया के फोटो शूट हो रहे थे, मैं उसकी मम्मी की उसके साथ फोटोज वगैरह ले रही थी, जो उसके साथ उसके पैम्पलेट वगैरह लाई थी, फर्स्ट इम्प्रेशन, इट्स माय इम्प्रेशन। बड़ी मुश्किल से तो जिया को नीचे बिठाया, तो उसका फोटो शूट हमने किया उसकी मम्मी के साथ। ये परिधि है हमारी एक फ्रेंड, इस तरह से फोटोशूट हुआ। आगे जाके केक कटिंग हुई, केक कटिंग में बच्चों ने धमाल जो किया कि पूछो मत। सारा केक कटने से पहले लड़ाई हो गई, मैं ये लूँगी मैं वो लूँगी, तो रजनी बोला फटाफट केक अंदर ले जा, नहीं तो यहीं केक का सफाचट हो जाएगा। बच्चे बहुत मस्ती करते हैं जब इकट्ठे होते हैं, लड़ते भी हैं खेलते भी हैं और बहुत ज़्यादा खोपड़ी भी हिला देते हैं। देख सकते हैं आप कैसे कैसे बोला था। फाइनली केक कटिंग के बाद बुक रखी हमने, पेन पेंसिल मोबाइल की चेन रखी कि जिया सबसे पहले किस पर हाथ लगाती है। वो बहुत इरिटेट हो रही थी, कपड़ों से भी परेशान हो रही थी क्योंकि उसको
अपने हल्के कपड़े पहने थे, हमने किसी तरह से उसको बैठाया कि वो सबसे पहले किस पर हाथ लगाएगी, फिर वो रोने बैठ गई। रजनी ने उसे गोदी में ले लिया, तो फिर हमने उसको लेटा दिया। लेट्स सी वो किस पे हाथ लगाती, देखिए आगे आप देखिए बच्चे, ये अनुप्राशन हुआ है पर उसने अपना सर पैसे पे मारा है, पैसे मारा वो अपने पापों को पैसों से भर देगी। फूड इज रेडी, तो थोड़ा बहुत खाना रखा था, भगवान जी को भोग लगाया। ये बच्चा पार्टी, आप ये खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कैसे लग रहा है खाना? बहुत बढ़िया। आराध्या कैसे लग रहा है आपको खाना? मुझे तो बहुत बढ़िया लग रहा है। पूरी छोले कैसे लग रहे हैं? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मनस्वी अच्छा लग रहा है। खीर कैसी लग रही है वैष्णवी? बहुत अच्छी लग रही है। वेरी गुड। अभ्युदय अभ्युदय बताओ कैसे लग रहा है खाना? बाकी अच्छा लग रहा है। नन्नू गन्नू देखो कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको कैसे लग रहा है मेरा टेडी बियर? अच्छा लग रहा है। ओ मेरा टेडी बियर। राधिया मनस्वी इधर देख, स्माइल कर इधर देख, हंस। पैर सो गए लेते। सो गाइस आफ्टर अनुप्राशन अब ये रिलैक्स कर रही है, ये देखिए अपने झूले में आनंद लेते हुए। ये देखो पूरा ख्याल परी ने रखा है, पूरा क्रेडिट इसको जाता है, इसने संभाला है अपने बाजुओं में। वो उसको पहचान गई है वैष्णवी की मम्मी को। ये किचन में है, देखिए किचन में सब लगे हुए हैं। अनुप्राशन वाली मम्मा चूड़ा उड़ा, ये पूजा रानी बच्चों को खाना खाने के बाद हमने भी खाना वाना खा लिया था। फिर रजनी हमारे लिए ब्रेसलेट लाई थी, तो हम ब्रेसलेट दिखा रहे थे सब और अपनी मस्ती कर रहे थे। हमें रजनी के यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, हमने थोड़ी सी मस्ती की और ये दिन हमेशा याद रहेगा हमें इसकी बेटी के अनुप्राशन का। बहुत अच्छा सेलिब्रेशन किया इसने और हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया हमने, बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा मज़ा आ गया। तो हम लास्ट में अपने घर को एंजॉय करा, घर को चल दिए। ओ गाइस हम आ गए हैं अब रजनी की बेटी के अनुप्राशन से। मैं और मेरी बेटी गए थे, बहुत ही मज़ा आया। उसने अपनी बेटी का अनुप्राशन किया और हम वहाँ पे गए, हमको बहुत अच्छा लगा। छोटी बेबी ने किया और हमें बहुत इंजॉय हो गया। इस बहाने हम आपस में फ्रेंड्स मिल गए, एक दूसरे से बातचीत भी होती है और अच्छा भी लगता है। और हमें मुझे बहुत अच्छा लगा रजनी के यहाँ पर आके, उसने बहुत अच्छी ट्रीट की, अच्छे से खाना खाया, बच्चों ने इन्जॉय किया। अब थक गए हम, मैं घर पे आ गई हूँ। मैंने अपनी फ्रेंड संगीता को ड्रॉप कर दिया और अब गाइस थक गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा, मेरे पेन भी हो रहा है। अब मैं घर में आ गई हूँ। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को, अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। मेरा ब्लॉग वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे ब्लॉग को, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे मैं अच्छे अच्छे पे ब्लॉग बनाऊंगी। फिर से मैं मिलूंगी, सी यू माय नेक्स्ट ब्लॉग। बाय गाइस, टेक केयर, कहीं भी रहिए और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।